नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपके साथ दिदीति शर्मा। बदलाव की यात्रा में बदलते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में जल्द शुरू होगा बेरा टेस्ट, गरीबों को मिलेगी राहत। बलरामपुर अस्पताल में सुनने की क्षमता जांचने के लिए बेरा मशीन लगाई जाएगी, जिससे यह लखनऊ का पहला सरकारी अस्पताल बन जाएगा जहां यह अत्याधुनिक जांच संभव होगी। बेरा एक खास तकनीक है जो सुनने की क्षमता का सटीक आकलन करती है। अभी तक यह जांच केवल चिकित्सा संस्थानों और निजी अस्पतालों में होती थी, जिसके लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस नई सुविधा के बाद मरीजों को सुनने संबंधी समस्याओं के निदान में अधिक सुविधा और त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी। राशन कार्ड है तो खुद बना सकते हैं अपना आयुष्मान कार्ड। भारत में गरीब जरूरतमंद को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इसके लिए सरकार ने साल 2018 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है। योजना में लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना होता है। अगर आपका नाम राशन कार्ड में है तो आप घर बैठे आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए आपको आयुष्मान ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी को सही भर देना है और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। स्पीड पोस्ट में देरी या आधार कार्ड की समस्या तो व्हाट्सएप पर करें शिकायत। डाक विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक नवीन पहल शुरू की गई है। अब लोग डाक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं की शिकायत व्हाट्सएप नंबर 9451481919 पर कर सकते हैं। डाकघर देर से खुलने, स्पीड पोस्ट समय पर नहीं पहुंचा या फिर आधार बनवाने, संशोधन और अपडेट कराने में समस्या होने पर इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के कुछ ही मिनटों में समाधान कर दिया जाएगा। यह सुविधा डाक विभाग लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के 6 जिलों में शुरू की गई है। इनमें लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या व अम्बेडकर नगर शामिल है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 10वीं और 12वीं की डेटशीट जल्द होगी जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट 2024 के साथ ही सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 का ऐलान किया था। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों की ही परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से होंगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी में, जबकि थ्योरी परीक्षाएं 15 फरवरी से होंगी। सीबीएसई की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा को डेटशीट जल्द जारी करेगा। बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा और थ्योरी परीक्षा के लिए डेटशीट अलग अलग जारी करेगा। कभी भी जारी हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही नतीजे घोषित करेगा, जिसके बाद उम्मीदवार अपना रिजल्ट पुलिस बोर्ड भर्ती की वेबसाइट upbpb.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों का फिर फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।